चमकड़ा मणि से गिरदरी गिरदरी को नहीं होगी भैया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी दिन के बाद अपना ब्लॉग आ रहे हैं। तो मैंने जो स्प्लेंडर बाइक ली थी उसमें इतना खास मज़ा नहीं आया जितना मेरे को डिलैक्स में मज़ा आया था, और वापस ही मैं डिलैक्स को ही ले रहा हूँ क्योंकि स्प्लेंडर चलाने में इतना खास मज़ा नहीं आ रहा। और डिलैक्स है जो वो तो मैंने सेल कर दी थी ब्लैक कलर वाली, और एक और है मेरे पास रेड कलर वाली, उसको मैं मॉडिफाई कराऊंगा जैसी पहले वाली थी ना अपनी ब्लैक वाली, वैसी सेम करा दूंगा। तो आज उसका काम कराएंगे हम, उस पर टंकी पे रेड कलर की पट्टी है तो उसकी जगह हम ब्लैक डलवाएंगे और उसको पेंट करवाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सबसे पहले। तो फाइनली ये वाली वो बाइक है जो कि आपको दिख रहा होगा रेड कलर की, इसके ऊपर पट्टी है, इसको उतार रहा हूँ क्योंकि इसकी जगह हम ब्लैक ही लगवाएंगे। तो ब्लैक ही अच्छी लगती है मेरे को, रेड अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मेरे को उतारनी पड़ रही है। और फिर ब्लैक लगा के वैसे ही बाइक हो जाएगी जैसे अपने पास पहले ही ना डिलैक्स, वैसे ही ये बाइक हो जाएगी। इसको पूरा मॉडिफाई करा लेंगे और इसके अंदर टायर भी मैंने डलवा दिया है, और अलॉय तो इसके अंदर डाल दिए थे मैंने, वो पहले वाली बाइक के अलॉय हैं, इसके अलॉय चेंज करवा लेंगे कुछ दिनों के बाद। तब भी भाई इसके स्टिकर तार रहा है क्योंकि ये ज़्यादा चिपके हुए हैं, इसकी चप्पी रह जाती है तारने के बाद, और इसके पेंट भी कराना पड़ेगा अपने को। तो ये उतरवाने के बाद पेंटर के पास चलेंगे, उसके पास पेंट करवा के फिर उस पर रबरिंग करवानी पड़ेगी, रबरिंग करवा के फिर स्टिकर लगेंगे। स्टिकर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में केवल ये पट्टी उतारने का काम, और इसके बाद पेंट करवाने जाएंगे। पेंट होने के बाद दिखाता हूँ आप। तो फाइनली मैं स्टिकर लेके आ गया हूँ ब्लैक पट्टी वाले जो कि बाइक पे लगाने हैं हमको, सारे मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल के एक बार। टापे का और वाइजर के और टंकी के सारे स्टिकर हैं, इनको चेपेंगे बाद में, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारे खोल के। ये मेरे को 400 रुपये के लगे हैं, मैंने हिसार से ही मंगवाए थे, ऑनलाइन देखे थे बट ऑनलाइन महंगे थे, और एजेंसी में भी मैंने जाके पूछा, एजेंसी में भी महंगे थे, तो मैंने बाहर मार्केट से ही परचेज किए हैं। सारे स्टिकर हैं इसके, टंकी के और टप्पा के, सब ऑल टोटल स्टिकर इसके साथ मिले हैं मेरे को। तो इसको चिपकाना बाकी है बस, अब भी टंकी पे ब्लैक कलर हो रहा है क्योंकि जो स्टिकर हमने उतारे थे ना उसकी जो टेप है ना वो रह गई थी, तो इस वजह से जो स्टिकर अपने को चेपने थे वो अच्छी तरह नहीं चिपके, तो इस वजह से मेरे को पेंट कराना पड़ रहा है। और टोटल टंकी का खर्चा आया है 1000 रुपये, 1000 रुपये में पूरी टंकी कलर होगी, और जो स्टिकर है वो उसका अलग खर्चा है, उसको अलग चिपकाएंगे, उसका अलग खर्चा लगेगा। और अब इसके मतलब रबरिंग चालू कर दी गई है क्योंकि पेंट करने के बाद जो धीरे धीरे रबिंग करने के बाद बाइक की टंकी के ऊपर चमक आ जाएगी बिल्कुल अच्छी, जैसी लगेगी बिल्कुल नई टंकी है, रंग भी नहीं करा ऐसी लगेगी। तो आप व्लॉग में, तो फाइनली उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना खास मज़ा नहीं था जितना कि डिलैक्स बाइक में था, ये तो वैसे ही ले ली मैंने बस नॉर्मली, इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कराया मैंने, इस पर ऑरन लगवाए थे शुरू में, टायर भी मोटा डलवाया था बट मैंने वो निकलवा दिए, मैं इसको सिंपल ही रखूँगा। एक बाइक जो अपने पास अब तैयार कराने लग रहे हैं ना, मैं उसको ज़्यादा मॉडिफाई रखूँगा और इसको इधर उधर जाने में रखूँगा क्योंकि कागज़ चाहिए इसके कम्प्लीट, उसके भी कागज़ कम्प्लीट है बट उसके ऑरन लगे हुए हैं, नंबर प्लेट नहीं है तो इसलिए चलान कट सकता है। तो मैंने सोचा कि ना एक बाइक पूरी मॉडिफाई करा लूँ और एक सिंपल रख लूँ। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, व्लॉग को एंड करता हूँ।